गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन जीमेट प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग? आइए सब लोग लाइव जुड़िए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। बहुत शानदार तरीके से आज की क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है बच्चे। एक क्वेश्चन के साथ 8 से 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? चलिए अब आपके कमेंट्स शुरू। हाँ दीपा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमित कुमार, अमन, कपिल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपको समस्या परेशानी हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, तो बेझिझक होके पूछा करो। तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे डाल दिया करो, ठीक है? तो हम उसको नेक्स्ट डे आपके साथ ले लिया करेंगे। लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। अगर हमारे पढ़ाने में डाउट है तो फिर दिक्कत है ना? आज क्लास नहीं होगा। हो रहा है बच्चे, स्टार्ट हो गया है क्लास? बिल्कुल, तो स्टार्ट करें हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पेशी ऊतक की उत्पत्ति, जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज की ओरिजिन किस जर्मिनल सेल से होती है? तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस जर्मिनल, ये मीजोडर्मा नहीं, मीजोडर्म है, ठीक है? ये क्या है? मीजोडर्म से, एक्टोडर्म से, या एंडोडर्म से, या सभी से? हाँ रवि, गुड इवनिंग। चलो देखो, किससे हमारी जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, किससे इनकी उत्पत्ति होती है? अब तक आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमने आपको जर्मिनल लेयर के बारे में बताया था कि आपकी जो जर्मिनल लेयर होती है वो बच्चे कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक आपकी एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म। दूसरी आपकी होती है मीजोडर्म, है ना? क्या होती है? मीजोडर्म होती है। और तीसरी आपकी होती है एंडोडर्म। तो जो आपकी पेशी ऊतक होती है, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, चलो अब आंसर करो सब लोग, सब लोग आंसर करेंगे और सब लोग फटाफट जुड़ जाओ। ए ए मीजोडर्म से। हाँ बिल्कुल, जो आपके पेशी ऊतक होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज है, इनकी उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। कल भी हमने यहाँ पे देखा था। और किसकी उत्पत्ति होती है बच्चों मीजोडर्म से? जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना? जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनकी भी उत्पत्ति किससे होती है बच्चों? मीजोडर्म से होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक। और साथ ही साथ आपके एंडोडर्म से किससे? एक्टोडर्म से, हमने बताया था। एक्टोडर्म से किसकी होती है? आपकी एपिथेलियल टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यूज की। तीनों से होती है, एक्टोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी, और एंडोडर्म से भी होती है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? मीजोडर्म है। राइट ऑप्शन क्या है? मीजोडर्म से होती है। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। आगे चलें? चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेशी ऊतक, जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की बात की जा रही है बच्चों। तो ये क्या, कार्डिक मसल्स, स्केलेटन मसल्स, या स्मूथ मसल्स, या सभी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपके बच्चे कार्डिक टिश्यूज, ये आपके जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये आपके तीनों टाइप्स के होते हैं। आपके कार्डिक भी होते हैं, स्केलेटन भी होते हैं, और आपके स्मूथ भी होते हैं। बिल्कुल अमरजीत, ए नहीं होगा, ये तीनों होते हैं। जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये तीनों टाइप्स के होते हैं। कार्डिक भी होते हैं, स्केलेटन भी होते हैं, और स्मूथ भी होते हैं। तभी देखो कार्डिक मसल्स क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट में, जो हमारे हृदय में मसल्स पाई जाती हैं, कहाँ पे? हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन सी मसल्स होती है? कार्डिक होती हैं। ये इनवॉलेंट्री अनैच्छिक गतियां करती हैं, है ना? जो आपकी स्केलेटन मसल है, जो हमारे लेग्स में पाई जाती हैं, वो कौन सी है? आपकी स्केलेटन मसल है। चिकनी पेशी ऊतक, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, या कौन सी? ब्लड वेसल्स, या फिर जो आपकी स्टोमक की मसल्स होती हैं, जो हमारे
पेट की मसल्स होती हैं, जो हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं, वो भी कौन सी होती हैं? आपकी चिकनी पेशी ऊतक होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीनों होती हैं बच्चे, कौन कौन सी? कार्डिक, स्केलेटन एंड स्मो, तीनों तरह की कौन से हैं आपके मस्कुलर टिश्यूज का टाइप है। चले आगे। हाँ बिल्कुल कुमार, अवनीश कुमार बिल्कुल सही है, ऑल ठीक है। अब देखो पूछा गया है, कंकाल पेशियां थक क्यों जाती हैं? जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं ये थक क्यों जाती हैं? कल भी इसका एक बच्चे ने पूछा था कि मैडम ये थक क्यों जाती हैं, तो देखो आज हम क्वेश्चन भी उसका मेंशन कर दिए हैं। होता क्या है, हमारे शरीर में कभी कभी अवायवी श्वसन होने लगता है। जैसे हम जब बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं तो क्या होता है, जैसे भाग रहे हैं, भागते भागते क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम होती है, ऑक्सीजन हम लोग श्वसन कम कर पाते हैं जब हम लोग दौड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ये किस में टूट जाता है बच्चों? वैसे तो H2O और O2 में टूटता है, लेकिन जब हमारे शरीर में अवायवी एनारोबिक श्वसन होता है, अवायविक श्वसन होता है, तो ये किस में टूटता है, ये लैक्टिक अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है? लैक्टिक अम्ल में टूटता है। और इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमारी क्या होती हैं, मसल्स थक जाती हैं, है ना। जब हम लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं या बहुत भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो क्या होती है, हमारी मसल्स थक जाती हैं। क्या आपकी हृदय की मसल्स, जो आपका हृदय होता है, कभी वो थकता है? नहीं थकता है ना, क्यों? अगर वो थक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो ऑटोरेथमिक रीजन का होता है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। क्या बच्चों? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, हमारी पेशियां जो होती हैं वो थक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर देखो, जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो किस शेप के होते हैं? यहाँ पे पूछा गया है, जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो किस शेप के होते हैं? तो बच्चों शेप में देखें तो ये कैसे होते हैं, फ्यूजी फॉर्म शेप के होते हैं, ठीक है। कैसे फ्यूजी फॉर्म शेप? कुछ आपका ऐसा होता है बच्चों, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इसके जो ऊपर टिप वाला भाग होता है ये पतला होता है, और ये जो आपका रूट वाला पार्ट होता है ये वाला, मतलब ऊपर और नीचे सेल पतली होंगी, बीच में मोटी होती हैं। जैसे शकरकंदी खाई है, शकरकंदी होता है, हाँ, बीच में फूला हुआ होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है, मोटा होता है। जैसे आपका चुकंदर होता है, नीचे मोटा नहीं, चुकंदर तो ऊपर भी फ्लैट होता है ना, चुकंदर नहीं होगा। आपकी जैसी शकरकंदी होती है, इस तरह की कुछ इसका आकार होता है। बीनू राव बता रहे हैं डी, सर्कुलर नहीं होती है बीनू, कैसी होती है ये, आपके फ्यूजी फॉर्म शेप की, कुछ इस शेप की आपकी चिकनी पेशी ऊतक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कार्डिक मसल्स होती हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जो हमारे हृदय में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं, हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? चलो आंसर करो, सब लोग आंसर करेंगे, हाँ लाइक शेयर तो करते ही चलो ना। देखो अमित का आंसर आ गया ए, अमित किसका बता रहे हो, ए बच्चे फोर्थ का ए या फिफ्थ का ए? अच्छा देखो, हम लोग कार्डिक मसल्स की बात करते हैं, कार्डिक मसल्स जो होती हैं ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, तो हाँ बिल्कुल होती हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, दे कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज, बिल्कुल, जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं उनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत सारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और उसी एनर्जी का यूज करते हुए क्या होता है, हमारा हृदय अपना काम करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता रहता है, ठीक है। आगे देखो, ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। तो क्या ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं? हाँ बच्चे, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, अनैच्छिक, क्या ये अनैच्छिक होती हैं? तो हाँ ये अनैच्छिक होती हैं, क्योंकि ये काम कैसे करती हैं, ये अपनी इच्छा से काम करती हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। जैसे आपके पेशी ऊतक होते हैं, जैसे आपके हम लोगों ने अभी कनेक्टिंग टिश्यू या पेशी ऊतक के बारे में पढ़ा, ये कैसी होती है, ये ऐच्छिक होती हैं। हम लोग चाहें तो काम करें, चाहे ना करें, मन है तो बैठेंगे, मन नहीं है तो नहीं बैठेंगे, भागेंगे घूमेंगे, लेकिन क्या हार्ट आपका ऐसा काम कर सकता है, जो हृदय है
हैं वो ऐसा नहीं है, उसको तो 24 घंटे काम करते रहना है, है ना। तो जो अपनी इच्छा से नहीं होता है तो ये बिल्कुल अनैच्छिक भी है। ये ऑटोरैथमिक होती हैं। ऑटोरैथमिक का मतलब क्या है बच्चे? ऑटोरैथमिक का मतलब होता है ये अपना करंट स्वयं जनरेट करता है। जो हार्ट होता है, जो हमारा हृदय है, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हैं, ये दूसरे से करंट नहीं लेती हैं, ये क्या करती हैं, अपना करंट सेल्फ जनरेट करती हैं। मतलब इनका जो करंट होता है ये करंट अपना सेल्फ जनरेट करती हैं, है ना। सेल्फ जनरेट का मतलब क्या होता है? हृदय हमारा क्या करता है, देखा जाए तो ब्लड को फ्लो करने का काम करता है, है ना। ब्लड को 120/80 की स्पीड से भेजने का काम करता है, इतना ही हमारा बीपी होता है। तो इसके लिए स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए करंट चाहिए, और करंट क्या है, हृदय अपना करंट स्वयं होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये किस नेचर का होता है बच्चे? ये ऑटोरैथमिक रीजन, ये ऑटोरैथमिक प्रकार का होता है। समझ में आया? तो इसके बच्चों चारों ऑप्शन सही हैं। ये क्या है, बेलनाकार भी है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। ये बहुत अनैच्छिक क्रिया भी करते हैं, और ये ऑटोरैथमिक का, तो ई ऑप्शन कर लीजिए आप, ऑल ऑफ देम, क्या ऑल ऑफ देम आप कर लेंगे ई ऑप्शन, की ये बिल्कुल किस नेचर के होते हैं, ऑटोरैथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो बच्चों। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बच्चे सबके आंसर, अमित का आंसर बहुत अच्छा है, पंडित राइस के आंसर बहुत अच्छे हैं, है ना, धीरज, अवनीश, शीलू रॉय, अमित, बीनू, सबके आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। आगे देखो, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? किसका? तंत्रिका, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम की कार्यात्मक, ये बच्चे न्यूरॉन है ना, क्या है, न्यूरॉन है, इसको सुधार लीजिएगा, न्यूरॉन, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन है। तो तंत्रिका की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। जबकि हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। लेकिन तंत्रिका ऊतक की, जो हमारे न्यूरल टिश्यू हैं, ध्यान में रखिएगा, इनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स भी किस नेचर के होते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर सही है, चंचल का आंसर सही है। ये क्या, ये भी बच्चे ऑटोरैथमिक रीजन के होते हैं, मतलब अपना करंट स्वयं बनाते हैं। किस नेचर के होते हैं? ऑटोरैथमिक नेचर के होते हैं। देखो इसमें न्यूरोगिलियन भी एक चीज आई है। तो जो हमारे न्यूरोनिक सेल होते हैं, ये बच्चों दो तरह के होते हैं, एक आपके, जो आपके ये नर्व्स टिश्यू होते हैं, दे आर इन टू टाइप्स, एक होते हैं न्यूरॉन्स, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके न्यूरोगिलियन सेल। दूसरे कौन से होते हैं? न्यूरोगिलियन सेल होते हैं। देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते, मतलब इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। किस में? आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका न्यूरॉन एक बार बन गया तो बन गया, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर आ भी जाता है तो हम उसको सही नहीं करवा सकते हैं। आपके जो सेंसरी और ऑर्गन्स बन गए, जो सेंसरी मोटर्स बन गई, वो एक ही बार में बन जाती हैं, उसके बाद हम लोग इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा किनका, आपके स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा ना, उनके में भी क्या एक दिक्कत थी, न्यूरोनिक दिक्कत थी, उनके सेंसरी मोटर तो उनका काम करता था, लेकिन न्यूरॉन जो मोटर नर्व्स थे वो काम नहीं करते थे, है ना। तो उनके पास इंफॉर्मेशन जाती तो थी, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या उनको भेजनी है, ऐसा रिएक्ट वो नहीं कर पा रहे थे। तो दैट मीन्स उनमें मोटर डिसऑर्डर की देखा जाए तो प्रोसेस थी, ठीक है। और आपके जो डिवीजन होती है हमारे सेल में, जो न्यूरोगिलियन सेल होती है बच्चे, इनमें सेल डिवीजन होता है। किन में? न्यूरोगिलियन सेल में सेल डिवीजन होता है, ध्यान में रखिएगा, जबकि न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। जो आपके न्यूरोगिलियन सेल हैं, इनको क्या नर्स सेल भी कहा जाता है,
नर्स सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन की देखभाल करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? न्यूरॉन की देखभाल करने का काम करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नर्स सेल कहा जाता है। साथ ही साथ जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये तो डिवाइड होते नहीं, तो फिर ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कैसे बनता है? तो ब्रेन ट्यूमर बनने के लिए हमारी यही कोशिकाएं, जो न्यूरोगिलियन कोशिकाएं होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये डिवाइड होती हैं, इसीलिए क्या होता है हमारे ब्रेन में? ब्रेन ट्यूमर, या जिसको हम लोग ग्लायोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लायोमा भी बोलते हैं। ग्लायोमा एक टाइप का ब्रेन ट्यूमर है। क्या है? ब्रेन ट्यूमर, है ना, या ब्रेन कैंसर भी बोला जाता है। वो किस सेल के कारण होता है? न्यूरोगिलियन सेल के कारण होता है, न्यूरॉन्स के कारण नहीं होता है, ध्यान में रखना, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? न्यूरॉन। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल एमडी आदिल, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है? देखिए, तो क्लियर हुआ, तंत्रिका की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई आपकी न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, जबकि हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। चलो आगे चलो, देखो न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस बार तो बच्चों को ऐसे परेशान किया है आरआरबी एनटीपीसी में, जिनने थोड़ा बहुत कम पढ़ा था बच्चों, कि हम क्या ही बताएं। बच्चे मतलब दूसरे दूसरे आ रहे थे, मैम ये बताओ क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। तो जब एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो पूछा जा रहा, न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? साइटॉन, न्यूरॉइड, एक्सॉन, डेंड्राइट। एक और ऑप्शन कर लो बच्चे, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ दिस। ये जितने भी भाग हैं बच्चों, ये हमारे न्यूरॉन के भाग होते हैं। कैसे न्यूरॉन के भाग होते हैं, देखो हम बना के आपको दिखाते हैं फटाफट, ठीक है? फटाफट हम लोग बना के एक बार इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि कैसे ये हमारे न्यूरॉन के भाग होते हैं। सो तो हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, है ना? चलिए देखिए, ये हमारे क्या होते हैं बच्चे? डेंड्राइट्स। ये जो निकले हुए हैं ये क्या है? डेंड्राइट्स होते हैं, है ना? क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कोड करने का काम करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम कौन करते हैं? डेंड्राइट्स ही करते हैं। इसीलिए डेंड्राइट्स को क्या बोला जाता है? एफरेंट नेचर का बोला जाता है। जैसे हमारे शरीर में चोट लगी या कांटा लगा, तो कौन बताएगा कांटा लगा? कांटा लगा कौन बताएगा? बेरी का पेड़ नहीं, कौन बताएगा? हमारे न्यूरॉन्स बताएंगे, है ना? एक गाना हम लोग पहले पढ़ते सुनते थे, बेरी के पेड़ के नीचे, हाँ उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो तो लग गया जिसको लगना था, अब क्या है हमारे शरीर में कौन भेजेगा? हमारे शरीर में ये डेंड्राइट्स भेजेगा कि हमारे कांटा लगा है, अब उसको निकालो। तो कांटा लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? आउच, लग गई, है ना? तो ये हमारा क्या है? रिप्लाई है, ठीक है? मतलब हमारे ब्रेन ने रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन भेजी। अच्छा देखो बच्चों, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन, साइटोन बोला जाता है, ठीक है? और इसी को एक और नाम बोला जाता है शोमा करके, या इसी को बोला जाता है पेरी न्यूरोन, पेरी न्यूरोन या पेरी कैरियोन भी बोला जाता है, ठीक है? बहुत सारे नाम से बस आपको कंफ्यूज किया जाता है, कुछ नहीं, पेरी कैरियोन भी बोला जाता है, ठीक है? अच्छा देखो, इसके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे 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 कण होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? नीसेल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। क्या? नीसेल्स ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीसेल्स ग्रैन्यूल्स। ये वाला भाग जो होता है बच्चों, इसको बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। साथ ही साथ इसी में क्या लगे होते हैं बच्चों? कुछ ऐसे आपके नोड ऑफ रेनवियर लगे होते हैं। क्या होता है देखो, थोड़ा सा देखना, ऐसे ऐसे आपके क्या होते हैं बच्चों? ये आपके नोड ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोड ऑफ, ये वाला भाग, ठीक है? ये आपकी स्वान कोशिकाएं हैं, स्वान सेल कहलाती हैं, और ये वाला भाग आपका नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है, रेन
वियर कहलाता है। ठीक है, ये आपके बच्चे पैकिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स को क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो आपके न्यूरॉन में साइटॉन भी है, न्यूरॉइड भी है, एक्सॉन भी है और डेंड्राइट भी है। हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, जब क्लास में इसका स्ट्रक्चर चलता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। ठीक है, चूँकि अभी हम लोग एक्सरसाइज में हैं तो थोड़ा कम, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? ऑल ऑफ देम, बिल्कुल सतेंद्र, ऑल ऑफ देम, बहुत सही आप लोग, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, पूछा गया है, क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, या साइनेप्स कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या डेस्मोसोम कहते हैं? देखो बच्चों क्या कहते हैं, जैसे हमारा न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन्स हमारे कैसे ऐसे लगे हुए हैं आपस में, ठीक है, कैसे ऐसे जुड़े हुए हैं, कैसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का स्थान होता है इसको बोला जाता है साइनेप्सिस। क्या बोला जाता है बच्चे? साइनेप्सिस बोला जाता है। इनके बीच में बच्चों कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, क्या ऐसे ऐसे कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल देने का काम करते हैं। इनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है? न्यूरो, थोड़ा सा और ऊपर लिखें, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल भरा हुआ तो है उसको क्या बोला जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो क्या होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है उसको साइनेप्सिस बोला जाता है, और जो केमिकल भरा हुआ होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। क्लियर हुआ? सतेंद्र बी, अमित, ऑल, ऑल नहीं है अमित, ऑल कैसे हो जाएगा? देखो बहुत बच्चों के ऑल आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। नहीं बच्चे, इसका आंसर क्या होगा आपका? साइनेप्सिस होता है। डेस्मोसोम तो बताया था आपने ना, जो दो कोशिकाओं के बीच का जो गैप होता है उसको डेस्मोसोम बोला जाता है ना। कल ये देखो किसी बच्चे का डाउट है, कल परसों की क्लास में हमने बताया था, जैसे हमारी एनिमल सेल होती है, ये जो इनकी गैपिंग होती है जिनसे इनका साइटोप्लाज्म एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है, ये जो गैप होता है इसको ही को क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, चलो आगे चलते हैं। क्लियर हुआ ये आंसर सबको? क्लियर, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, आंखों के रेटिना में किस प्रकार के न्यूरॉन को पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि रेटिना में किस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एक पोलर, एपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर या नॉन पोलर। तो जो बच्चों आँखों में पाए जाते हैं ये बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? एक तो आपके होते हैं पोलर, या इसी को कह सकते हैं यूनिपोलर। क्या होते हैं? यूनिपोलर। दूसरे होते हैं आपके बाईपोलर। तीसरे आपके होते हैं मल्टीपोलर, है ना। क्या होते हैं? मल्टीपोलर। और चौथे होते हैं आपके स्यूडोपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, चार टाइप से आपके क्या होते हैं न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जो आपके क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, इनमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, डेंड्राइट्स नहीं पाए जाते हैं। जो बाईपोलर होते हैं इनमें एक डेंड्राइट, ये वाला भाग क्या हो गया बच्चे? सेल बॉडी, और ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया इसका, एक्सॉन। ठीक, अब देखो जो बाईपोलर होते हैं इसमें क्या होता है, एक डेंड्राइट पाए जाते हैं। क्या? डेंड्राइट, डेंड्राइट उपस्थित होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, और ये इसका क्या हो गया? एक्सॉन हो गया, ये इसकी सेल बॉडी। जो मल्टीपोलर होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, जैसे हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, जो हमारी ब्रेन की सेल होती हैं। हाँ, बी बी बी, देखो बहुत बच्चों के आंसर आने लगे। क्या होते हैं? द्विध्रुवीय होते हैं। अच्छा, बाद में आंसर बताया करेंगे, ठीक है।
तो ये जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं जिनका जिनको बहुत सारा काम करना होता है, उनमें क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। स्यूडोपोलर, इसके साथ बहुत गड़बड़ बात हो जाती है। क्या गड़बड़ बात हो जाती है इसके साथ, कि बेचारे को छलावा दिया जाता है कि तुम्हारे पास न्यूरॉन आएगा, लेकिन न्यूरॉन इसके पास नहीं आता है। मतलब क्या, कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पे इसका बना दे रहे हैं हम। कुछ इसकी ऐसी संरचना होती है कि डेंड्राइट्स दिखता है लेकिन डेंड्राइट्स होता नहीं है। जैसे हमारे डॉर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, डॉर्सल साइड क्या होता है, एक हमारा वेंट्रल हो गया और एक हमारा डॉर्सल। जो वेंट्रल है वो सामने दिख रहा है और जो डॉर्सल है वो पीछे वाला भाग। जैसे ये पेन है, इसका एक इधर वाला भाग है, एक इधर वाला भाग है। इधर वाला जो है वेंट्रल, जो इधर वाला है वो डॉर्सल। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, डॉर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बाइपोलर। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है, एक बार बाइपोलर पूछा है तो अब यूनिपोलर पूछेगा या मल्टीपोलर पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा पोलर पूछा जा रहा है। ठीक है, चले आगे, देखो सब बच्चों के आंसर। हाँ, देशराज, प्रजापति, रावण, चलिए बहुत अच्छे। कार्य के आधार पर कितने न्यूरॉन्स होते हैं, बच्चे पूछा गया है कार्य के आधार पर कितने न्यूरॉन्स होते हैं। कितने न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स या ये सभी। तो बच्चे कार्य के आधार पर आपके तीन प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। अभी हमने पिछले उसमें किसके आधार पे बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ठीक है, कि इनकी कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं संरचना के आधार पर। ये क्या है, ये फंक्शन के आधार पर हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी और इंटर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। देखो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं बच्चे, कोई भी इंफॉर्मेशन को भेजने का काम कौन करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। हाँ बिल्कुल सत्येंद्र, किसी भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी इंफॉर्मेशन को या सूचना को भेजने का काम कौन करेंगे, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, अच्छा मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है उसका रिप्लाई करेगा कौन, मोटर न्यूरॉन्स। जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है, जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो मैंने बोला और आपने सुना, आपके सेंसेस ने सुना और अचीव किया उस चीज को और फिर रिप्लाई किया कि मैम आंसर कौन सा होगा, डी होगा। तो मतलब रिप्लाई क्या है, मोटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तीसरे आपके होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, जैसे क्या होता है, हमारे आँख से कोई चीज़ हमने देखी तुरंत ब्रेन में पहुँच गई, कान से सुन ली तुरंत ब्रेन में पहुंच गई, लेकिन क्या अगर हमारे पैर में कोई दिक्कत है तो वहां से यहां तक आने में समय लगता है न्यूरॉन्स में, रिप्लाई द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन क्या पूछ रहे हैं प्रजापति, एक बार क्लियर करिए। ठीक है, क्या होता है कि जो आपके इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जब दूरी तक इंफॉर्मेशन, काफ़ी दूर तक इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ तक, कहाँ पे जाएगी इंफॉर्मेशन आपकी, इंफॉर्मेशन जो है आपकी पहले कहाँ पे जाती है, CNS में जाती है। ठीक है, CNS में जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, CNS से फिर किस में जाती है, इंटर न्यूरॉन में जाती है, इंटर न्यूरॉन में जाती है, और इंटर न्यूरॉन से फिर पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट के पास भेजी गई है इंफॉर्मेशन उसी के पास पहुंच जाती है। अदरवाइज क्या सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन CNS से भेजी जाती है और CNS ही क्या कर देता है, रिप्लाई मार देता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के व्हाट्सएप में मैसेज आया और आपने रिप्लाई कर दिया तो उसको लगता है हाँ उसी ने रिप्लाई किया है ना। तो ये क्या है, ये CNS सेंसरी ऑर्गन और जो आपके मोटर ऑर्गन होते हैं, एक इंफॉर्मेशन लेता है और दूसरा उसका रिप्लाई करता है। इंटर न्यूरॉन, अगर दूर तक इंफॉर्मेशन जानी है तो बीच में इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, काम करते हैं बच्चे इंफॉर्मेशन को भेजने का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये सभी होगा।
चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छे, सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ रहे हैं। हाँ चलो देखो, नर्स कोशिकाएं किसे कहा जाता है, अब ये तो आप लोग खुद ही बता दोगे, बच्चों वाला है ना, बच्ची हो गया। चलो, नर्स कोशिकाएं किसे कहते हैं, एक्सॉन को, न्यूरोग्लियन सेल को, या न्यूरॉन को, या कार्डिक कोशिका को। देखो बच्चों, जो आपकी नर्स कोशिकाएं होती हैं, ये कौन सी होती हैं, आपकी न्यूरोग्लियन सेल होती हैं। कौन सी सेल होती है, न्यूरोग्लियन सेल होती हैं। ये किसके लिए नर्स का काम करती हैं ये बच्चे, जो आपके शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की ये क्या है, नर्स कोशिकाएं होती हैं। ये न्यूरॉन्स की देखभाल करती हैं, क्या करती हैं, देखभाल करती हैं कि न्यूरॉन्स को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ गई। साथ ही साथ ये और क्या करती हैं, अगर न्यूरॉन्स हमारे कोई भी रिपेयरिंग वाला काम करना होता है न्यूरॉन्स में, तो यही करती हैं। कौन करती हैं, नर्स कोशिकाएं। और यही हमारी क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं। क्या करती हैं, सेल डिवीजन का भी काम यही कोशिकाओं में, इन्हीं न्यूरोग्लियन कोशिकाओं में डिवीजन होता है। और जो आपके ग्लायोमिका नामक आपका ब्रेन ट्यूमर होता है, वो इसी के बेस में देखा जाए तो होता है ना। तो आंसर बताएं, हाँ न्यूरोग्लियन सेल। चलिए बहुत सही, सबके बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चे। हाँ अच्छा चलो, तो ये क्या होती हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कार्डिक सेल्स तो आपको पता ही हो गया, न्यूरॉन भी पता है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी सेल होती हैं, अभी से लेकर मतलब पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन इतना ट्रेंडी हुआ है कि जैसे मतलब वायरल टाइप का हो गया है। आप लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, एक्चुअल वाले, अच्छे वाले, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर टकराया होगा, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। तो बताओ बच्चों, कौन सी आपकी ब्रेन बैरियर कोशिकाएं हैं। तब तक हम आपको समझाने का के लिए काम करते हैं कि इनको कैसे समझाया जाए आपको। हमारे सेल में, हमारे बॉडी में ये क्या होती है बच्चे, ब्लड सेल होती है। तब तक आप लोग आंसर करिए, हम आंसर पहले बता देते हैं। तो आप सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, हाँ बिल्कुल, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने ही की थी। हाँ बताओ इसका आंसर बताओ, तब तो फिर आए कि हाँ हमने पढ़ाया है, अगर बताओगे नहीं तो फिर तो दिक्कत है ना। देखो हाँ, बताएंगे आंसर कि हम ही बताएं। चलो देखो, होता क्या है बच्चे कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। मतलब जो न्यूरोग्लियन सेल होती हैं, वैसे इनके आसपास मड़राती रहती हैं, कुछ भी इनके पास आने नहीं देती हैं। देखो ये हमारी क्या है बच्चे, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या है हमारी, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स, जो हमारा ब्लड होता है, ये डायरेक्टली न्यूरॉन तक ना पहुंच जाए, न्यूरॉन के पास जाके मिल ना जाए, इसलिए हमारी कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, उनको रोक देती हैं, बैरियर का काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, राहुल का आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। नहीं राहुल, करेक्ट नहीं है, बी आपने दिया है। अच्छा मुझे यहाँ से सही नहीं दिखा, करेक्ट आंसर आपका एपिडाइमल कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, एपिडाइमल कोशिकाएं जो होती है, ये करेक्ट है आपका आंसर। तो ये वाली जो आपकी, ये वाली जो कोशिका है, ये आपकी एपिडाइमल ही होती है। और इसके नीचे ये आपकी होती हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये क्या है, ये आपकी होती हैं एस्ट्रो साइट्स सेल होती हैं, ये एपिडाइमल सेल होती हैं। ये ब्लड ब्लड को न्यूरॉन तक ना पहुंच जाए, इसलिए एक बैरियर बना देती हैं। तो सबसे ऊपर परत होती है एपिडाइमल की, उसके नीचे होती है एस्ट्रोसाइट की, और फिर उसके नीचे क्या सुरक्षित होते हैं, न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ध्यान में रखना, या तो एपिडाइमल देगा या फिर एस्ट्रोसाइट देगा, दो में से एक वो देता ही देता है, या फिर ये दोनों देता है। ठीक है, और अगर दोनों दे दिया तो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन होगी, एपिडाइमल होगी, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी है, एपिडाइमल है, तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, एपिडाइमल सेल होगी।
तो ब्लड बैरियर का काम कौन करता है? एपिडर्मल सेल करती हैं। क्लियर हुआ? हाँ बताओ प्रजापति। अमित कुमार सी है। सी नहीं है बच्चे, न्यूरॉन तो हमारी क्या है, न्यूरॉन तो पहले ही बता दिया ना, ये आपके न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, न्यूरॉन को सुरक्षित रखने का, कि हमारा न्यूरॉन किसी भी तरह से खराब ना हो जाए। ठीक, चले आगे। चलो आगे चलते हैं। देखो अब देखो, प्लांट टिश्यू यहाँ से आ गए, आपके ऑलमोस्ट एनिमल टिश्यूज के सारे क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट होते हैं। यहाँ से प्लांट टिश्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे यहाँ पे देखो कौन कौन से दिया है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू दिया है और कौन सा दिया है, परमानेंट टिश्यू। हाँ बिल्कुल, तो आपके जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं और दूसरे आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? डी ऑप्शन होता है। जैसे ह्यूमन में बच्चों टिश्यूज पाए जा रहे थे, अपने कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर ये एक समान होते हैं, इसी तरह प्लांट में भी क्या होते हैं, दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, ये भी अपने कार्य, संरचना, उत्पत्ति में समान होते हैं। विभाज्योतक ऊतक अपना काम करते हैं, परमानेंट टिश्यू अपना काम करते हैं। अभी बताते हैं ये क्या क्या काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पे विभाज्योतक जो आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं उनकी विशेषताएं बतलाई गई हैं। क्या इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं? क्या है, वैक्यूल्स नहीं होते हैं जो आपके विभाज्योतक ऊतक होते हैं बच्चे, ये सबसे पहले प्लांट में बनने वाले ऊतक होते हैं। मतलब जैसे पौधा बनता है आपका रेडिकल वाला भाग, वहीं पे क्या होते हैं, ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इनमें जो ये वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ये तो वही ऑप्शन हो गया, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फूड स्टोरेज के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ये बच्चा है ना, फूड स्टोर कैसे करेगा? जैसे हमारे घर में बड़ों का काम होता है, मम्मी दादी लोग अनाज वनाज क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। हम लोगों का मतलब किससे होता है, खाने से होता है, है ना? तो ऐसे ही इनका भी काम है, ये फूड स्टोरेज नहीं करते हैं। ये कैसे होते हैं, वैक्यूल्स भी नहीं होता है, ये इनमैच्योर होते हैं, इमैच्योर भी होते हैं, मतलब अपरिपक्व होते हैं। इनके पास फूड स्टोरेज नहीं होता है, फूड स्टोरेज नहीं करते हैं, और ये डिवाइड होते रहते हैं, इनमें सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये पौधों के वृद्धि के लिए, पौधों की लंबाई के लिए, जड़ों की लंबाई के लिए, पौधे की मोटाई के लिए, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे विभाज्योतक ऊतक मेरिस्टमैटिक टिश्यू। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये पतली होती है। हाँ बिल्कुल, जो इनकी सेल वॉल होती है बच्चे, जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिन सेल वॉल होती है, बहुत पतली सेल वॉल होती है। और किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो मतलब सारी विशेषताएं तो इसमें सही हैं, ये और ये ऑप्शन तो एक ही जैसा हो गया, तो एक को कट कर दो, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लो, ऑल ऑफ देम, ये ऑप्शन कर लो, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ध्यान में रखना, और यहीं पे थोड़ा सा देखना चाहो तो आप लोग परमानेंट टिश्यू में भी देख लो। दूसरा हमारा, हमने टाइप बताया आपको किसका, परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स भर भर के पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब क्या, अपना काम करते हैं। इनमें फूड स्टोरेज प्रेजेंट होता है, फूड स्टोरेज ये करते हैं, लेकिन ये सेल डिवीजन नहीं करते हैं। जो आपके स्थाई ऊतक होते हैं ये सेल डिवीजन नहीं करते हैं। इनका अपना कार्य है कि हम यही काम करेंगे। जैसे हमारे घर में होता है ना, ऐसे इन्हीं का भी ले लो, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, चाची हैं, मामी हैं, वो लोग क्या करेंगे, उनके पास जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग जैसे दादी लोग अनाज बनाएंगी, मम्मी लोग खाना बनाएंगी, है ना, हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, काम करेंगे, और हमको कोई चिंता नहीं होती है, सब उनकी चिंता है कि क्या करना है।
तो हम लोग क्या हो गए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू हो गए, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हो गए वो कौन हो गए, वो परमानेंट टिश्यू हैं, उनके काम डिसाइड है, अभी हमारा कोई भी काम डिसाइड नहीं है। ठीक है, डिसाइड क्या है, पढ़ना और पढ़ाना डिसाइड है। तो ये हमारे क्या है, विभाज्योतक ऊतक की विशेषताएं हैं। आगे चले बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई समस्या? मैम हिंदी में बताएं। अमित क्या नहीं समझ में आया बच्चे, बताओ, हम हिंदी में भी बताएंगे। क्या नहीं समझ में आया? पौधों की लंबाई यहाँ पे लिख लो, के लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, पौधों की लंबाई के लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी हैं, पूछा जा रहा है। पौधों की लंबाई जो बढ़ती है, कौन से ऊतक? तो बच्चे यहाँ पे आपके शीर्षस्थ ऊतक भी होते हैं और मध्यस्थ ऊतक भी होते हैं, जो पौधों की प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्राइमरी वृद्धि के लिए कौन से ऊतक उपस्थित होते हैं? शीर्षस्थ एपिकल टिश्यू होते हैं। एपिकल टिश्यू कहाँ पे होते हैं बच्चे? देखो, जैसे आपका ये क्या है, ये आपका कोई सूट है और इसके नीचे क्या लगी हुई है, जड़ लगी हुई है। तो जड़ के सूट के ऊपर ये जो यहाँ वाला भाग है, यहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, ये एपिकल टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन से? शीर्षस्थ ऊतक पाए जाते हैं, और जड़ों के यहाँ वाले भाग में भी क्या होते हैं, एपिकल टिश्यू पाए जाते हैं। इसलिए पौधे की हमेशा जड़ भी बढ़ती है और पौधा हमेशा लंबाई में ऊपर की ओर भी बढ़ता है ना। कभी देखा है पौधा नहीं बढ़ता हो, हमेशा बढ़ता रहता है। और जब ये और बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, जैसे ये हमारा प्लांट है, ये और बढ़ गया, ऐसे बड़ा हो गया, तो अब टिश्यू कहाँ पे चले गए, अब टिश्यू चले गए यहाँ पे, लेकिन कुछ टिश्यू क्या होते हैं, यहाँ पे भी बचे रहते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाती हैं, ब्रांचेस निकल जाती हैं। क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकल जाती हैं। इसीलिए एक पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेज आप लोग देखते हैं। इसी तरह जड़ में भी क्या होता है, ये क्या बढ़ गई जड़, ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से क्या दूसरी कुछ बचे रहेंगे, तो ये दूसरी जड़ भी बना लेते हैं। तो इस तरह क्या है, प्लांट हमारे लंबाई में ऊपर की ओर भी बढ़ता है और उसकी जड़ें भी नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो ये दोनों ऊतक कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या बच्चे, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चले आगे की ओर। चलो, पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से ऊतक रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो पौधों की द्वितीयक वृद्धि होती है उसके लिए कौन सा, एपिकल टिश्यू, ये टॉप टिश्यू नहीं है बच्चे, एपिकल है ना, एपिकल, एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू या मध्य टिश्यू होते, पूछा जा रहा है पौधे की वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि के लिए। अब देखो, पौधे की प्राथमिक वृद्धि क्या है, पौधे की लंबाई बढ़ना। ठीक है, प्राथमिक वृद्धि क्या है, ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे की ओर बढ़ना। द्वितीयक वृद्धि क्या है, पौधा चौड़ाई में बढ़े, है ना। तो चौड़ाई में बढ़ने के लिए हमारे जो लैटरल टिश्यूज होते हैं, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे, किसके लिए, कि पौधे लंबाई में बढ़े। कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये सपोज दैट देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारे नोड कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, क्या है बच्चे, ये हमारे नोड हैं, और इसी के बीच में ये वाला भाग जो है, ये क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। अब जो हमारे लैटरल टिश्यूज होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, वो ऐसे ऐसे चौड़ाई में पौधे को बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो पौधा अपनी चौड़ाई में बढ़ता है, ये कौन से टिश्यूज होते हैं, लैटरल टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज, लैटरल टिश्यूज होते हैं। तो पौधों की द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, बताएं। हाँ मैम हिंदी में, संजय बी, सबके आंसर बी, डी, ए, बी, कुछ लोग तो डिलीट भी कर देते हैं ना। अमन, अमित, जब आंसर गलत हो जाता है। गुड आफ्टरनून ऋषभ बच्चे। चलो देखो, तो क्लियर हुआ कि कौन से ऊतक आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन से ऊतक रिस्पॉन्सिबल है, पार्श्व ऊतक। प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्राथमिक वृद्धि के लिए पूछा जाए तो कौन से, शीर्षस्थ और जो आपके मध्य ऊतक हैं, एपिकल टिश्यूज,
एंड आपके जो सेकेंड टाइप के टिश्यूज होते हैं मध्य ऊतक, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चले आगे की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण स्थायी ऊतक जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, जो आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड। दूसरे क्या होते हैं? कंपाउंड, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ज़्यादा सही रहेगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यूज। तो जो आपके साधारण स्थायी ऊतक होते हैं इनका, इनमें पैरेन्काइमा भी होता है, कोलेन्काइमा भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा, ये बच्चे स्क्लेरन है, SCHLERENCHYMA, ठीक है, क्या है? स्क्लेरेन्काइमा है। तो देखो, जो हमारे साधारण स्थायी ऊतक होते हैं वो तीनों टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा भी होता है, स्कोलेन्काइमा भी होता है और स्क्लेरेन्काइमा भी होते हैं। मतलब आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल बिल्कुल सही, लेटरल। हाँ भीनू, लेटरल सही कह रहे हैं, सत्येंद्र ऑल बता रहे हैं। AAL कब से होने लगी ऑल की स्पेलिंग? डी, हाँ बिल्कुल, देखो संजय का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्या बता रहे हैं? ये डी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा अच्छा देखो, चलो तो ये तीनों क्लियर हो गए, आगे की ओर चलते हैं। एरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं? ये देखो, जो एरेन्काइमा है बच्चे, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसे आपकी ये टिश्यूज होते हैं, क्या है बच्चे? ये आपकी प्लांट टिश्यूज होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं? ऐसे एयर स्पेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एयर स्पेस पाए जाते हैं। इन एयर स्पेस को ही क्या बोला जाता है? इन एयर स्पेसेस को, ये क्या है? एयर स्पेस हैं, इन्हीं एयर स्पेस को क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा बोला जाता है, एरेन्काइमा बोला जाता है। तो एरेन्काइमा किस में पाए जाते हैं? जो आपके पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमा में पाए जाने वाले स्पेस को ही क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा बोला जाता है। ये जो स्पेस है, ये ज़्यादातर बायोन्सी वाले प्लांट्स जो होते हैं, जिनमें फ्लोटिंग प्रवृत्ति होती है, मतलब जो पानी में पाए जाते हैं पौधे, वो क्या है? तैरते होते हैं। तैरते क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एरेन्काइमा पाया जाता है, उनके बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा। हो रहा है? अच्छा चलो, उसको क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा किस में पाया जाता है? पैरेन्काइमा में। देखो कितना अच्छा भाई भाई जैसा नाम लग रहा है ना। हाँ सुमित अमित, बिल्कुल एरेन्काइमा में क्या है? पैरेन्काइमा में एरेन्काइमा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है ना। सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे चलो। पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा कौन से टिश्यूज देते हैं? तो पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम कौन करते हैं बच्चे? स्थूल कोण ऊतक करते हैं। जो आपके स्थूल कोण ऊतक हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं, और इनके बीच में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के बीच में एक तत्व जम जाता है, कोशिकाओं के बीच में एक तत्व जम जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैक्टिन कहते हैं। किसका जमाव हो जाता है कोशिकाओं के बीच में? पैक्टिन का जमाव हो जाता है। सेल्स के बीच में किसका जमाव हो जाता है बच्चे? पैक्टिन का जमाव हो जाता है। ठीक है, किसका जमाव हो जाता है? पैक्टिन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी सेल्स होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं? इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। पैक्टिन के जमाव के कारण जो आपके स्थूल कोण ऊतक होते हैं, वो कठोर हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। कौन मैकेनिकल सपोर्ट देता है आपके, जो स्थूल कोण कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, पौधों में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक जीवित नहीं है, मतलब कौन सा टिश्यू देखा जाए तो नॉन लिविंग होता है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो आपके मृदूतक होते हैं ये क्या करते हैं बच्चे, इनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज अभी हमने बताया, अब आप लोग आंसर बताना ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन, मतलब फूड पौधों में खाना बनाने का काम कौन करते हैं, यही करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इसमें क्या पाया जाता होगा, क्लोरोफिल पाया जाता होगा, है ना, तभी तो ये फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, लिविंग है, ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। अच्छा जो आपके स्थूल कोण ऊतक हैं ये भी क्या करते हैं बच्चे, ये फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब मेनली जो भोजन बनाने का काम करते हैं वो तो हमारे पैरेन्काइमा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इनकी सहायता करते हैं आपके कोलेनकाइमा टिश्यू। जो आपके आपके स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, दृढ़ ऊतक होते हैं, इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें लिग्निन का जमाव हो जाता है, किसका, लिग्निन का जमाव हो जाता है, जैसे इसमें पैक्टिन का होता है, किसका, पैक्टिन का, इसी तरह इसमें क्या हो जाता है, लिग्निन का जमाव होने लगता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी आपकी, जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये आपके, ये क्या होते हैं, ये डेड टिश्यू है, नॉन लिविंग ऊतक जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो कितने बच्चों ने बताया, बहुत सारे बच्चे ए बता रहे हैं, मुकेश का आंसर सही आया है, डी आया, अमित का आंसर सही आया है, डी आया है, है ना, हाँ बहुत बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, हाँ सुनील बहुत थैंक यू बच्चे। तो ये क्या है आपका, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, जो क्या हैं, जो आपके देखा जाए तो नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं, जबकि आपके पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा कैसे हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना, क्वेश्चन खत्म हो गए आपके, माँ बचत ऑफर। अच्छा चलिए, तो आज हमारे सुपर डुपर 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है आप पूछो बच्चे, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो, एक बार दो बार आप वीडियो देखकर क्लासें लो साथ में, बहुत अच्छे से आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो बने हुए हैं, जिनके बनने की उम्मीद है, सारे क्वेश्चन हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक अभी आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर मिसलेनियस प्रैक्टिस करा देंगे, फिर जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी भी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। आप जुड़े रहिए, 3 बजे हमारे साथ मिलते रहिए इसी तरह, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू भी हमसे बता सकते हैं, हम लोग कमेंट भी, हमारी टेक्निकल टीम देखती रहती है, तो कुछ भी समस्या हो आप हमें बता दिया करो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, ओके बाय बाय।